नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो एम्पलीफायर में माइक से रिलेटेड है, तो चलिए मैं आपको सर्किट दिखा देता हूं। देखिए, ये सर्किट है जिसमें आप देख पा रहे हैं, ये माइक का सर्किट है। दोस्तों, माइक्रोफोन लोकल एम्पलीफायर में जब हम यूज करते हैं तो एक माइक्रोफोन यूज करने पर तो अच्छे से काम करता है, लेकिन जो ही अपन दो या तीन माइक उसमें यूज करते हैं तो माइक अपने एम्पलीफायर की आवाज़ काफ़ी कम होने लगती है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का ऐसा सर्किट डायग्राम उसमें नहीं होता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एम्पलीफायर में या किसी भी एम्पलीफायर में इस माइक के सर्किट डायग्राम को बना करके हम यूज कर सकते हैं, या 44-40 आईसी या छोटे जो भी एम्पलीफायर होते हैं उनमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर से 12 वोल्ट डीसी दी गई है 220 ओम के रेजिस्टेंस से। ये दो सर्किट है दोस्तों, सेम है दोनों, ये माइक एक के लिए और ये माइक दो के लिए। तो देखिए, एक ट्रांजिस्टर से माइक्रोफोन के लिए सर्किट बनाया गया है। तो इसमें सप्लाई 12 वोल्ट डीसी है, 220 ओम के रेजिस्टेंस लग के, फिर यहाँ पर 10.9 के रेजिस्टेंस लगी है, और ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे गई है। 2SC2634 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर पे सप्लाई दी गई है, और इसके बेस पर कलेक्टर टू बेस पे एक रेजिस्टेंस लगी है, देखिए 180 के की। और फिर ये माइक का सॉकेट जो जहाँ पर हम माइक्रोफोन यूज करते हैं लगाते हैं, वो माइक का ये इसका एक यू कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये ग्राउंड से जुड़ा है जिसमें अपन माइक लगाते हैं। और इधर देखिए, इसके कलेक्टर से ये कैपेसिटर लगा करके ये वॉल्यूम कंट्रोल, क्योंकि एक पिन इसकी वॉल्यूम की ग्राउंड से जुड़ी है, 10K का वॉल्यूम कंट्रोल है ये। और इधर ये एक पिन इस पे कैपेसिटर लगा के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे दी गई है, और जो सेंटर टेप है वॉल्यूम की, वहाँ पर सिग्नल दिया जाता है, एम्पलीफायर से सिग्नल दिया जाता है। और इसमें इसके एमीटर को देखिए, एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगी है, एमीटर टू बेस पे, और इसी से एमीटर टू बेस पे PF भी लगा है, और एमीटर के लिए ग्राउंड 39 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड किया गया है। काफ़ी छोटा सा सर्किट डायग्राम है ये, और बहुत ही अच्छा इसकी ऑडियो क्वालिटी इसमें आती है, बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी इससे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो ये इसी लाइन से, देखिए ये दूसरा माइक्रोफोन का सर्किट आप देख रहे हैं, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसमें 10K का सेम, दोनों एक ही सर्किट है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा या 4 या 5 माइक्रोफोन सर्किट हम बना सकते हैं और अपने एम्पलीफायर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोकल एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम आती है। एक माइक्रोफोन हम लगाते हैं तब तो आवाज़ सही रहती है, और जो ही एक दो या तीन माइक्रोफोन एम्पलीफायर में यूज करते हैं तो आवाज़ बहुत कम होने लगती है। और ये सर्किट बना करके अपन माइक यूज करेंगे तो आवाज़ कम नहीं होगी, और इसे 6 वोल्ट से 12 वोल्ट DC तक हम काम में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, 44-40 IC में भी लगा सकते हैं इसे, या किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड में इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।